राधाकांत शास्त्री जी से निवेदन है, कृपया मंच पे पधारें। श्री मान मंदिर कला अकादमी प्रस्तुत कर रहे हैं राधा जन्म लीला नाट्य रूपांतर। इसका सारी प्रेरणा के स्रोत हमारे बाबा श्री रमेश बाबा जी महाराज। ये जो नाटक हम लोग ने लीला का प्रारंभ से लेकर समापन तक, इसमें हर प्रसंग शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के प्रमाण के अनुसार है, और बहुत शोध कार्य के बाद बाबा महाराज ने इस चीज़ पे काफ़ी गहन अध्ययन के बाद हम लोग को कृपा करी और ये सारे दृश्य हमको दिखाए, जिसकी कृपा से आज हम ये नाट्य लीला आप तक पहुंचा पा रहे हैं। ये मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, ब्रिज में ये अपने आप की पहली ऐसी नाट्य लीला है, और आप सौभाग्यशाली हैं जो आज राधा अष्टमी की पावन बेला पे इतनी वर्षा के बावजूद आप सब आज बाबा महाराज के श्री चरणों में यहाँ पधारे हैं। आप धन्य हैं, क्योंकि ऐसी सभा, ऐसी लीला हर रोज़ नहीं होती, हर दशक में, हर शताब्दी में कभी कभी होती है। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि आज यहाँ सिर्फ आप अकेले ही नहीं, बल्कि न जाने कितने देवी देवता, कितने ऋषि मुनि, कितने दिव्य पुरुष भी आज इस लीला में दृश्य अदृश्य रूप में यहाँ मौजूद होंगे। इसलिए मेरी आप इसको एक नाटक, सिर्फ एक नाटक के रूप में न देखें, एक लीला और भगवान स्वयं इसमें उपस्थित हैं, इस भाव से इस लीला का आप आनंद लीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम ऐसी लीलाएं श्री मान मंदिर कला अकादमी द्वारा आप तक सदैव पहुंचाते रहें, और बाबा के आशीर्वाद से ब्रिज में ब्रिज प्रेम और राधा रानी का प्रेम सदैव बढ़ाते रहें आपके दिलों में। मेरी आपसे प्रार्थना है, अपना ध्यान, अपना स्थान ग्रहण करें, कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। वंदना से प्रारंभ हो रहा है आज का राधाष्टमी मंगल नाटिका। जय श्री राधे। जय श्री राधे। देखिए, राधाष्टमी महोत्सव बहुत समय से मनाया जा रहा है।
किंतु इसका महात्म्य सभी को विदित नहीं है। इसीलिए इस नाटिका के द्वारा राधाष्टमी महात्म्य उत्सव इसका ज्ञान कराया जा रहा है। नारद पांचरात्र में कहा गया है, यथा ब्रह्म स्वरूपश्च श्री कृष्ण प्रकृतेः परः तथा ब्रह्म स्वरूपाच निर्लिप्ता प्रकृतेः परः। जैसे श्री कृष्ण साक्षात प्रकृति से परे ब्रह्म है, उसी तरह श्री राधिका आविर्भावस्तिरोभावस्तस्याः कालेन नारद, उनका भी राधिका रानी का जैसे श्री कृष्ण का आविर्भाव तिरोभाव होता है वैसे हुआ करता है। न कृत्रिमा च सा नित्या सत्य स्वरूपा यथा हरि। वे श्री राधिका सत्य स्वरूपा हैं। पद्म पुराण में ब्रह्मखंड में सातवें अध्याय में राधाष्टमी महोत्सव का महात्म्य वर्णित है जो मैं आपको सुना रहा हूं। नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि पितामह राधाष्टमी महोत्सव इसका क्या महात्म्य है। ब्रह्मा जी बोले, नारद सतयुग की बात है, लीलावती एक परम पापमयी वेश्या थी और उसका उपाख्यान परीक्षित से मिलता जुलता है। परीक्षित को शाप के कारण तक्षक ने दशा अकाल मृत्यु होनी थी। श्रीमद् भागवत के महात्म्य से कथा से परीक्षित को साक्षात धाम की प्राप्ति हुई। उनको तो वो तो परम भक्त थे, धर्मात्मा राजा थे, पुण्यशाली थे। उनको जो शाप मिला था वो ऋषि का शाप था, अन्यथा उनका कोई पाप कर्म नहीं था। किंतु जो लीलावती थी ये परम पापमयी वेश्या थी, इसने केवल पाप ही किए थे और पाप करने के बाद एक दिन काले सर्प ने उसको डसा और वो मर गई। उसको लेने के लिए यम के दूत पहुंचे, यमराज का पाश उसके बांधा गया सूक्ष्म शरीर में, और जैसे ही ले जाने को तैयार हुए वैसे भगवान के दूत विष्णु दूत आ गए और उन्होंने कहा, रुको, इसको कहां ले जा रहे हो तुम लोग। यमदूतों ने कहा, ये परम पापमयी है, इसने केवल जीवन में पाप किया है, काले सर्प के काटने से इसकी अकाल मृत्यु हुई है, हम इसको नार की यातना के लिए ले जा रहे हैं। विष्णु दूतों ने कहा, नहीं, इसको तुम छू भी नहीं सकते हो। बोले, क्यों? इसने राधाष्टमी व्रत किया था। सभी लोग ध्यान से सुनो, ये बड़ा मंगलमय प्रसंग है सबके लिए। विष्णु दूतों ने कहा कि राधाष्टमी इसने
उत्सव मनाया था, व्रत किया था, इसलिए इसको तुम स्पर्श नहीं कर सकते हो। उन दूतों ने कहा कि ये तो हम नहीं जानते हैं, ये कोई भक्त तो नहीं थी। बोले भक्त तो नहीं थी, एक दिन जा रही थी, वहां कुछ भक्त लोग राधाष्टमी का व्रत करके उत्सव मना रहे थे, कोई इसका भाग्य था ये वहां खड़ी हो गई उन भक्तों के बीच में, और वो लोग राधे राधे करके कीर्तन करके नाच रहे थे। इसको भी बड़ा अच्छा लगा और इसमें आवाज नहीं है, और जो श्री जी का नाम है वो इतना मीठा है कि उनके नृत्य गान के साथ ये भी नाचने लग गई। और इसने उस दिन राधाष्टमी व्रत मनाया, उसी पुण्य से ये इसके सारे दुष्कर्म खत्म हो गए हैं। छोड़ दो यमपाश, तोड़ दो, तोड़ दिया गया और वो इसको भगवत धाम ले गए। ऐसा आश्चर्यजनक राधाष्टमी महोत्सव का महात्म्य है। इसीलिए देवी भागवत में कहा गया, भगवान नारायण ने नारद जी से कहा, नारद कृष्णार्चायाम नाधिकारो यतो राधार्चनम, बिना राधिका रानी के उपासना किए कृष्ण पूजा का अधिकार जीव को प्राप्त ही नहीं होता है। वैष्णवैः सकलैस्तस्मात् कर्तव्यम् राधिकार्चनम्, इसलिए सभी वैष्णवों को राधिका रानी की उपासना करनी चाहिए। नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से, पिताजी इनका थोड़ा सा परिचय भी तो बताइए। ब्रह्मा जी बोले, कृष्ण प्राणाधि देवी सा तदधीनो विभूर्यतः, कृष्ण के प्राणों की ये देवी हैं, राशेश्वरी तस्य नित्यम तथा हीनो न तिष्ठति, इनके बिना राशेश्वर एक क्षण भी नहीं रह सकते। और देखो नारद, राधनोति सकलान कामान तस्मात राधेति प्रकीर्तिता, इनका नाम राधा इसीलिए पड़ा है, जितने भी संसार में कामनाएं हैं वो राधिका रानी की कृपा से पूरी होती हैं। राधा रानी की जय। ये प्रसंग हमने आपको शुरू में नारद पांचरात्र से सुनाए, फिर पद्म पुराण ब्रह्मखंड से सुनाए, फिर देवी भागवत से सुनाया, अब अंत में एक प्रसंग और सुना रहे हैं। भगवान शंकर और नारद का संवाद है। नारद जी ने भगवान शंकर से पूछा, हे शंभो, जन्माष्टमी के 15 दिन बाद जो राधाष्टमी आती है उसको आप बड़े धूम से मनाते हैं, ये राधा कौन है? ये राधा लक्ष्मी है या देव पत्नी है या महालक्ष्मी है या सरस्वती है या अंतरंगा विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है? ये वेद कन्या है कि देव कन्या है कि मुनि कन्या है? हे शंभो, आप मुझे इनका परिचय बताएं। भगवान शंकर बोले, नारद, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी राधिका रानी के सामने तुच्छ है। मैं शंकर
इनका वर्णन करने में असमर्थ हूं। और मैं तो क्या, शंकर तो क्या, त्रिलोकी में कोई ऐसा नहीं है जो राधिका रानी की महिमा का वर्णन कर सके। राधा रानी की जय। अनंत मुखों से भी इनका वर्णन नहीं हो सकता। नारद जी ने कहा, हे शंभो, राधाष्टमी आप मनाते हैं, मुझे भी बताइए। शंकर जी बोले, वृषभान और कीर्ति से ये मध्यान्ह में प्रकट हुई। यद्यपि बरसाने में प्रातः काल अभिषेक होता है, लेकिन पुराणों में गर्ग संहिता आदि में राधा रानी का प्राकट्य दिन में 12 बजे मध्यान्ह में, जिस समय सूर्य अपने संपूर्ण रूप में प्रकाशित होता है, उस समय वृष भानु, जिस तरह से भानु वृष रक्ष राशि पर सबसे अधिक तेज तपता है, उसी तरह से मध्यान्ह में राधिका रानी का प्राकट्य होता है। अब ये तो हमने आपको राधाष्टमी की बात बताई। अब इस नाटक में सबसे पहला जो दृश्य आएगा उनका भी परिचय देना जरूरी है। और सभी इस नाटक के जितने भी अंश हैं वो सब शास्त्र से प्रमाणित हैं, कोई कल्पना से कोई बात नहीं डाली गई है। किसी को संदेह कभी आए तो पूछ सकता है। इसमें पहला सीन है कि भयं श्री कृष्ण आते हैं राधाष्टमी मनाने के लिए, और उसका प्रमाण यह है कि जिस समय ये वराह पुराण और पद्म पुराण का प्रमाण है, श्री कृष्ण राधिका रानी के पास बरसाने आए थे, तो वहां पर वाक्य है, ततो राधा प्रियम कृष्णम वाक्यम ऊंचे कृतार्थ कृत। श्री राधा रानी कृष्ण से कहती हैं, हे कृष्ण, तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो, एक काम करो। श्री कृष्ण बोले, हे राधे, तुम आज्ञा करो, मैं तुम जो कहोगी वही करूंगा। राधा रानी बोली, मम पितृपुरे तम ही मया सह प्रतिष्ठा, तुम सदा बरसाने में रहो मेरे साथ। ब्रह्मा कृतार्थताम याति मम प्रीति करो भव, इससे ब्रह्मा की भी इच्छा पूरी होगी। यह जो पर्वत है इसका नाम ब्रह्मगिरी है। यह पुराण बराह में लिखा है, पहले सतयुग के अंत में ब्रह्मा जी ने तप किया, पूरा कृतयुगस्यान्ते ब्रह्मणा प्रार्थितो हरि। भगवान ने कहा, क्या मांगते हो तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी? ममोपरि सदा तुम रास क्रीडां करिष्यसि, आपकी रासलीला बोले ये पुरुष के लिए नहीं संभव है। सर्वाभिर ब्रजगोपी भी प्रावृत काले कृतार्थ कृत। ब्रह्मा जी ने कहा, तो आप ही उपाय बताएं प्रभो। भगवान बोले, ततो ब्रह्मन ब्रजम गत्वा, ब्रज में चले जाओ। बोले, ब्रज तो बहुत बड़ा है, कामबन भी ब्रज है, शेरगढ़ भी ब्रज है, दूर दूर तक ब्रज है। बोले, बरसाने में जाना तुम। ततो ब्रह्मन ब्रजम गत्वा ब्रजभान पुरम गतः, बोले वहां क्या करूं मैं? बोले, पर्वतो भवसि त्वम ही, ब्रह्मा जी वहां तुम पर्वत बन जाना। मन क्रीडां च पश्यसि, वहां पर तुमको मेरी लीलाओं का दर्शन होगा और राधिका रानी के चरण का स्पर्श प्राप्त हो जाएगा। यस्मात् ब्रह्मा पर्वतो भूत ब्रजभान पुरे स्थितः। तो राधा रानी ने कहा, तुम बरसाने रहो, तुमने जो वरदान दिया है ब्रह्मा जी को पूरा होगा।
श्री कृष्ण बोले मैं अवश्य रहूंगा, और हर उत्सव में नहीं प्रति क्षण श्री कृष्ण आते हैं, इसीलिए इसका नाम वर्षाणा, रस के बरसाने का स्थान है। तो इस नाटक का जो पहला दृश्य है वो ये दिखाता है कि स्वयं श्री कृष्ण बरसाने में राधाष्टमी में आए हैं, और इस मंडप इस रस मंडप के भीतर राधाष्टमी उत्सव में श्री कृष्ण आ गए हैं। यहां से ये लीला शुरू होती है। ये पहले बंशी बजेगी कृष्ण। अच्छा हाँ, उन्होंने जो महादेव जी ने नारद जी को बताया था राधाष्टमी के बारे में, तो मंगल कलश की स्थापना करते हैं शिव जी, स्वर्णमयी राधिका की पूजा करते हैं, इसलिए इस नाटक का पहला दृश्य मंगल कलश नृत्य के साथ आरंभ हो रहा है। गावो गावो री आ, गावो गावो री बधाओ रानी की रत के घर आज, गाओ गावो री बधाओ रानी की रत के घर आज, गाओ 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 री बधायो रानी की रत के घर आज, गाओ गाओ री बधायो रानी की रत के घर आज। रत के घर आज रानी की रत के घर आज, रत के घर आज रानी की रत के घर आज, हो गावो गावो री बधायो रानी की रत के घर आज, रमक छमक के चलो भान घर सज धज के समसा, रमक छमक के चलो भान घर सज धज के समसा, रमक छमक के चलो भान घर सज धज के समसा, चलो राजा श्री वृषभान भवन में मंगल के भय का, राजा श्री वृषभान भवन में मंगल के भय का, राजा श्री वृषभान भवन में मंगल के भय का, राजा श्री वृषभान भवन में मंगल के भय का, गाओ गाओ री बधायो रानी की रत के घर आज, गाओ गाओ री बधायो रानी
नाम ते आई नारी लोगन जुड़े गाँव गाँव ते आई नारी लोगन सुरे समाई नारी लोगन जुरे भौसा की धधकार सुनो जहाँ खाड़े हैं महाराज भौसा की धड़कार सुनो जा खाड़े हैं महाराज गाओ गाओ भी बताओ रानी कीरत के घर बीना बैन और सारंगी मऊवर हूँ रहे बीना बैन और सारंगी मऊवर हूँ रहे को नाचे को हंसी देवे को नाचे को हंसी देवे कौन करे वह नाचे को हंसी दे कौन करे कहला गाओ गाओ री बतायो रानी कीरत के भरला अनहोनी भई लली सोहनी लोकन की सरता अनहोनी भई लली सोहनी लोकन की सरता चाके प्रगट हो तो बरसाने सबके दुख गए चाके प्रगट हो तो बरसाने सबके दुख गए जाके प्रगट हो तो बरसाने सबके दुख में गाओ गाओ भी बधायो रानी के घर नंद गाँव से नंद जशोदा आए महल दीरा नंद गाँव से नंद जशोदा आए महल दीरा नंद गाँव से नंद जशोदा आए महल दीरा नंद गाँव से
नंद यशोदा आए कीरती जसुदा भेटी जैसे भेटी है रती जसुदा भेटी जैसे भेटी है जगा गाओ गाओ री बधायो रानी कीरति के घर लाली ढिंग लाला पौधायो जोड़ी अति छबिछा लाली ढिंग लाला पढ़ायो जोड़ी अति छबिछा पलना में खेले और किलके रूप के दो जहां समय काल और परिस्थिति सृष्टि की हर घटना इन तीनों के अधीन है, इनके इशारों पर चलती है। परंतु विधाता की कुछ लीलाएं ऐसी भी हैं जिसकी प्रतीक्षा स्वयं समय काल और परिस्थिति भी करते हैं। मानो इन लीलाओं के कारण ही सृष्टि की रचना हुई है। इन्हीं परम दिव्य लीलाओं में सबसे मनोहर सबसे रसमय लीला आज इस पावन बरसाने भूमि में जागृत होने वाली है। चर अचर जड़ चेतन धन्य है यह सारी योनियां जो आज इस लीला का आनंद लेने के लिए यहां उपस्थित हुई हैं राधाष्टमी की पावन बेला में। अरे ये बांसुरी की ध्वनि कहां से आ रही है? हमने ये बांसुरी नहीं बजाई। तो फिर इतनी मधुर ध्वनि कहां से आ रही है? कौन बजा रहा है? कोई ब्रजवासी होगा। अरे सामने आओ भाई, कौन हो? कौन है भाई? ये बांसुरी मैं बजा रहा हूं बाबा। मैं ब्रज का एक वाला हूं, यहां राधा जन्म लीला देखने आया हूं। पर तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नंद नंदन, यशोदा नंदन, गोपाल और न जाने कितने नामों से बुलाते हैं। अरे तो आप प्रभु, आप स्वयं श्री कृष्ण? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप यहां हमारे रस मंडप में पधारे हैं। और
आप स्वयं परम परमेश्वर आनंद घन परम चैतन्य। हाँ, मैं ही कृष्ण हूँ, परंतु आपने अभी मुझे आनंद घन कहा ना? कैसी विडंबना है, आनंद घन होकर भी मैं अपनी राधा के प्रेम में सदैव अधीर रहता हूँ। और आपने मुझे अभी परम चैतन्य की भी उपाधि दी, पर सत्य तो यह है कि मैं अपनी राधा के प्रेम में जड़ बना रहता हूं। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य लठ, सदा आमा नाम नृत्य लाचार उदित। राधा रानी का प्रेम मेरा गुरु है, उनका प्रेम मुझे दिन रात एक कठपुतली की तरह नचाता है। उनके प्रेम के चाशनी में मैं एक चींटे की तरह फंसा हूं। क्या करूं मैं, राधा नाम सुनते ही मैं व्याकुल सा हो जाता हूं, बेबस सा हो जाता हूं। बस यही मेरी शोभा है, यही मेरा चरित्र है। आप स्वयं प्रभु होकर के इस उत्सव में आने की अनुमति मुझसे मांग रहे हैं, हम तो धन्य हैं प्रभु, हमारा सौभाग्य है। हे राधा रमन, आपके बिना श्री राधा की कोई लीला का ना तो प्रारंभ है और ना ही समापन है। आप तो स्वयं नटो नाट्यधर हैं, इस दिव्य लीला को जागृत करें, आपसे हमारी विनती है। अवश्य ऐसा ही होगा, परंतु मेरी भी एक विनती है बाबा। वो क्या प्रभु? अपने लाइटमैन से बोलिए मुझे अपनी लाइटों से ढूंढने की कोशिश ना करें, मैं तो सदैव ही प्रेम और भाव के प्रकाश में विद्यमान रहता हूं। जैसी आज्ञा प्रभु। कोई भी आपको इस प्राकृत प्रकाश में नहीं ढूंढेगा, आपकी शक्तियां अनंत हैं, आप स्वयं अपनी इच्छा से प्रकट भी हैं, छुपे हैं, दृश्य हैं, दृष्टा भी हैं, आप कारणों के कारण हैं। आप कृपा करके हमको अपनी शरण में लें।